गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका एएस बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था आपका, उसी का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। और इसके बारे में बच्चों बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपने फ्लावर के बारे में, पोलिनेशन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। ओके, और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, और पहुंच जाने के बाद फिर वहां पर जाकर के बच्चों जर्मिनेट करता है और एक पोलन ट्यूब बना करके स्टिग्मा को पेंटेड करता है, और स्टिग्मा को पेंटेड करने के बाद स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, ओविल के अंदर एंटर कर जाता है। ओके, अब देखिए ओविल के अंदर जो बाकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तो वहाँ पर एंटर करने से पहले क्या होता है, एक पैसे बन जाएगा। तो पैसे बन जाने के बाद में क्या होता है कि फिर दो उसके अंदर जो दो मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर आपके जो मेल गैमेट होते हैं ओनली वही मेल गैमेट्स आपके ओविल के अंदर एंटर करते हैं। ओके, और एंटर कर जाने के बाद फिर बच्चों उसमें से जो आपका एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है और जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, और जायगोट आगे चल करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे चल करके एक कंप्लीट प्लांट फॉर्म कर देता है, सीड वगैरह जो है वो अपना बनाएगा चल करके। ओके, इसी तरीके से बच्चों अगर बात करें कि जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, जो सेंट्रल सेल्स होती हैं इसको पोलर न्यूक्लाई कहते हैं, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं, और उससे क्या करता है फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज कर जाने के बाद एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको थ्री एम कहते हैं या ट्रिप्लॉयड कहते हैं, जिसको इंडोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इंडोस्पर्म बनेगा, तो ध्यान रखिएगा जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है, यह ओनली एंजियोस्पर्म के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अगर इसका इसको थोड़ा सा लिख दें तो इसके बाद लिखेंगे आप लोग कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगर बच्चों आप लोग कहना चाहें तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, तो आप लोग कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर किसका, एनजीएस पर, तो आप लोग कहेंगे फाउंड ओनली इन एनजीओस्पर्म्स। जानते होंगे आप लोग एंजियोस्पर्म्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ओके, और इसी के अंदर क्या होगा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी के साथ कुछ हम लिखना चाहें तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो लिखिएगा इट इन्वॉल्व two type of fusion, अगर आप जो लिखना चाहें इसमें आपका नंबर वन आएगा सिनगैमी, और इसमें बच्चों आपका सेकेंड आएगा आपका इसमें ट्रिपल, या आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक तो आपका होगा सिनगैमी और दूसरा हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों डिस्क्राइब करना चाहे सिनगैमी को तो आप लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए ध्यान से, जो सिनगैमी होता है, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो सिंगैमी कहलाता है। और सिंगैमी में क्या होता है तो आप लोग कहेंगे इसमें फर्स्ट मेल गैमेट ये बच्चों जाकर के एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है, ओके, और एक ट्विन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको जायगोट कहते हैं। यहाँ बच्चों आपका कोई ट्विन स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं। तो ये होता है आपका सिंपल फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों जो आपके एंजियोस्पर्म है या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसके अंदर बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों ये दो बार देखने को मिलता है, ओके। तो यहां देखेंगे आप लोग ट्रिपल फ्यूजन, एक बच्चों ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है तो यहां पर लिख देंगे आप लोग फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ओके। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो यहां पर आप लिखेंगे सेकेंड मेल गैमेट ओके, आपका हो जाएगा सेकेंड मेल गैमेट प्लस यहीं पर आप लोग लिखेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान से देखिएगा जो आपका सेकेंड मेल गैमेट होता है आपका एन होता है और जो आपका ये पोलर न्यूक्लियाई होता है ये टू एन होता है, ओके। और जब इनका फ्यूजन होगा फ्यूजन के बाद बच्चों यहाँ पर एक सेल्स का एक सेल्स बनेगी, इसे बच्चों क्या बोलेंगे एंडो स्पर्म कहते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बच्चों फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, यानी दूसरी बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं डबल, याद रखिएगा इसीलिए बच्चों इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ओके। क्योंकि यहां क्या देखा आप लोगों ने जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों दो बार होता है, दो बार होने की वजह से इसको नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। और देखिए इसको जो ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका दोबारा फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें देखिए थ्री न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होता है, एक आपका मेल गैमेट का होता है और दो आपके पोलर न्यूक्लियस वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों थ्री एन कंडीशन डेवलप हो जाती है और इसीलिए बच्चों जो इसे बोलते हैं इस फ्यूजन को, तो इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। तो ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो याद रखिए बच्चों को ही आपसे ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है कि डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स के जरिए से, या उससे पूछ लेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन आपको राइट करके आनी होती है। अब ध्यान से देखिएगा जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसका बच्चों एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे ट्रिप्लॉयड होता है, ओके, कैसा होता है ट्रिप्लॉयड होता है। लेकिन बच्चों कभी कभी अगर क्वेश्चन घुमाना चाहेगा तो वो आपसे पूछ लेगा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं आप ये बताइए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है। तो आप लोग कहेंगे जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों ये हैप्लॉयड होता है, ऐसा समझ में। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेता है। अगर बच्चों बात करें थोड़ी सी एंडोस्पर्म की, तो बच्चों याद रखिए जो आपका एंडोस्पर्म होता है ये बच्चों एक न्यूट्रिशियस नेचर का होता है और ये जो एंडोस्पर्म होता है ये बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्म होता है, ओके, यहां पर ट्रिप्लॉयड होता है और ये क्या करता है डेवलपिंग
एम्ब्रियो सेल या डेवलपिंग जायगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर बच्चों बात करें एंडोस्पर्म के टाइप्स की, तो एंडोस्पर्म आपका फॉलोइंग थ्री टाइप का हो जाता है। इसमें से देखिएगा, एक हो जाता है आपका न्यूक्लियर, एक आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाता है, और बच्चों सेकेंड आपका हो जाएगा इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा, दूसरा हो गया आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक बच्चों और होता है जो आपसे पूछ लिया जाता है, और तीसरा आप लोगों का हेलुवियल एंडोस्पर्म। ओके, तो ये है आपका एंडोस्पर्म जो कि फॉलोइंग थ्री टाइप का हो जाता है। अगर बच्चों इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है यह बच्चों एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता रहता है, लेकिन बच्चों साथ साथ उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से बच्चों एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसी तरीके से बेटा आपका दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, यह बच्चों एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती रहती है। ओके, तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और जो याद रखिएगा, जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप लोगों को गैमोफेटली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, गैमोपेटली में देखने को मिलेगा। बच्चों गैमोपेटली का मतलब होता है कि ऐसे पेटल्स जो सारे बच्चों एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं या फिर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के पेटल्स को क्या बोलते हैं, गैमोपेट्रस बोलते हैं। और इस प्रकार के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। और इसी तरीके से एक आपका होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये आपको मेनली देखने को मिलता है पॉली पेटली में देखने को मिल जाता है। जो पॉली में होता है फ्री और पेटली में होता है पेटल्स। ओके, अगर किसी फ्लावर के पेटल्स जितने भी हैं बेटा वो सब फ्री है गुस्से से, तो ऐसे पेटल को क्या बोलते हैं, पॉली पेटल्स बोलते हैं। ओके, और इस प्रकार के जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। ओके, लास्ट आपको बचा हुआ हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये बच्चों एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ स्टार्टिंग में साइटोकाइनेसिस भी होती है, लेकिन बच्चों बाद में चल के क्या होता है कि इसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है जिसके द्वारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है या फिर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, वो आगे चल करके नष्ट हो जाती है। तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। जब इसमें सेल भी डेवलप होती रहेगी तो सेल एंडोस्पर्म सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, तो फिर बन जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से क्या आप लोगों ने देखा कि जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है ये दोनों ही एंडोस्पर्म को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, तो इसीलिए बच्चों इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एरियू एरी म्यूरा हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। आया समझ में। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, फिर मिटाते हैं बेटा। एक और बच्चों छोटा सा टॉपिक है जिससे बच्चे बोलते हैं पॉली
पॉलीएम्ब्रियोनी। इस सभी बच्चों क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके। और इन्हें आप लोग याद रखेंगे कैसे बच्चों। पॉलीमिस क्या होता है? मैनी। और इम्ब्रियोमिस क्या होता है? इम्ब्रियो। यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो यहां आप लोग लिखेंगे द अक्रेंस ऑफ द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है? तो आप लोग कहेंगे द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। अगर बच्चों बात करें जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इसे बच्चों फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? तो यहां आप लोग सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कवर्ड बाई, ये नाम बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू में कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो याद रखिए जो पॉलीएम्ब्रियोनी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ल्यूवेन, एक साइंटिस्ट थे बेटा ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1719 में एक प्लांट था बच्चों ऑरेंज, ऑरेंज प्लांट के अंदर बच्चों इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो का पाया जाना क्या कहलाता है? पॉलीइम्ब्रियोनी कहलाता है। और इसी तरीके से बच्चों हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जिससे बच्चों आपने सुना होगा सेक्सुअल, इसे बच्चों कहते हैं सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी। कहते हैं बच्चों याद रखिएगा जो सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी है इसका मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के बाद में बहुत सारे पोलन ग्रेन आपके एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद बच्चों उनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के बाद ये बच्चों स्टिग्मा को पेनिटेट करके स्टार की तरफ एंटर कर जाते हैं, ओविल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां आपने देखा था बहुत सारे बच्चों पोलन ग्रेन आते हैं लेकिन उनमें से कोई एक पोलन ग्रेन ही क्या करता है? ओविल तक बच्चों पहुंच जाता है, यानी सिर्फ एक ही ओविल जाकर के आपके दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट आपका एग के साथ में और सेकेंड मेल गैमेट जो होता है आपका वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है और बाकी जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एग सेल के साथ फ्यूज नहीं कर पाते हैं बल्कि वहां पर जाकर के जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अगर बच्चों इसको लिखना चाहें तो आपको लिखेंगे यहां पर फेल्यूर ऑफ फेल्यूर ऑफ जर्मिनेशन, फेल्यूर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ फेल्यूर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन पोलन ग्रेन ऑन
स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा इससे, आपको साथ साथ नोट भी करते रहिए। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक साधन बच्चों और बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका साधन, इसमें आपसे पूछा जाता है ई मैस्कुलेशन जो, अगर आपसे कोई पूछ ले ई मस्कुलेशन क्या होता है तो आप लोग कहेंगे द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग विदाउट अफेक्टिंग फीमेल पार्ट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट आप लिखेंगे इमैस्कुलेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसमें से जो आपका एक आ जाएगा वाटर इमैस्कुलेशन, एक इसमें आएगा आपका वाटर इमस्कुलेशन, और प्यारे बच्चों इसी में आएगा दूसरा हैंड इमस्कुलेशन। ओके, तो जो आपका इमस्कुलेशन होता है ये दो तरीके का हो जाएगा, एक है आपका वाटर इमस्कुलेशन और दूसरा हो जाता है इसी में हैंड इमस्कुलेशन। ओके, अगर बच्चों दूसरा बात करें, एक दूसरा टर्म आपका इसी में यूज होता है बहुत ज्यादा, जिसको बच्चों बैगिंग कहते हैं। बच्चों बैगिंग क्या होता है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे कि बैगिंग इज अ टेक्निक ऑफ कवरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू प्रिवेंट स्टिग्मा फ्रॉम द कंटामिनेशन विद अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। तो लिखिएगा आप लोग बैगिंग, बैगिंग इज अ टेक्निक ऑफ कवरिंग द फीमेल
कवरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर parts of flower to prevent stigma from the contamination stigma from the contamination with undesired pollen grain कामा लगा कर लिखिएगा कॉल्ड बैगिंग ओके। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक है ई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग। बच्चों ई मैस्कुलेशन क्या होता है? तो ई मैस्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर देना क्या कहलाता है? ई मैस्कुलेशन कहलाता है। और इसमें बच्चों जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ओके। और ये जो ई मैस्कुलेशन होता है ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक है आपका वाटर ई मैस्कुलेशन और दूसरा है जो हैंड ई मैस्कुलेशन। जो आपका वाटर ई मैस्कुलेशन होता है तो वाटर ई मैस्कुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं और बॉयल वाटर के अंदर उस फ्लावर को कुछ सेकेंड्स के लिए डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसको बाहर निकाल लेंगे ठीक है ना। तो बाहर निकालने के बाद में क्या होगा कि जो मेल पार्ट होता है या जो स्टेमेन होता है ये बच्चों टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने बॉयल वाटर के अंदर स्टेमेन को बच्चों का डिप कर दिया तो जो आपका स्टेमेन होता है या उसके अंदर जो बच्चों पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सब इनएक्टिव हो जाते हैं ओके। यानी इस तरीके से आपका जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है ओके। अब देखिए आपने ई मैस्कुलेशन कर दिया और ई मैस्कुलेशन करने के बाद अब बच्चों को क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। और बैगिंग में क्या करेंगे, जो आपने ई मैस्कुलेशन किया है जिस फ्लावर के अंदर उस फ्लावर को हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन बैग से बच्चों कवर कर देते हैं ठीक है ना। यानी ई मैस्कुलेटेड फ्लावर को एक पॉलीथीन बैग से कवर करना ही क्या कहलाता है, जो बैगिंग कहलाता है। तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि बैगिंग इज अ टेक्निक ऑफ कवरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू प्रिवेंट स्टिग्मा फ्रॉम द कंटामिनेशन विद अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। यानी जो स्टिग्मा जो बचा है उस स्टिग्मा के साथ कहीं कंटामिनेशन ना हो जाए या कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन आकर के उससे फ्यूज ना कर जाए। तो इसी बच्चों प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लावर को बच्चों क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ठीक है ना। और यही कवरिंग करना है उसको, किसी फ्लावर को कवर करना क्या कहलाता है, ई क्या कहलाता है, जो बैगिंग कहलाता है ओके। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर को आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए और जो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया हुआ है उससे आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी पर भी नोट करते चलिए ओके। क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे बच्चों लेसन एंड होता है, लेसन एंड होने के जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ओके। तो आपकी आपका पेन और कलम आपकी नहीं रुकनी चाहिए, साथ साथ आप लोग नोट करते रहिए और बायोलॉजी को बिल्कुल इंजॉय के साथ स्टडी करते रहिए ओके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आने वाला हमारा हर एक वीडियो आपके पास, आपके दोस्तों के पास और आपके चाहने वालों के पास बहुत आसानी से या सबसे पहले हो जाए ओके।